आपको हम 4 दिन 5 दिन टाइम देते हैं, मेरे तरफ से आपको आपसे आग्रह है, आग्रह पूर्वक आपसे कहना है कि आप 4-5 दिन के अंतराल में जो भी तय विकास करना तय विकास कर लीजिए। अगर जो इसके बावजूद लगता है कि पिंकू यादव का संलिप्तता है तो वैसा होगा तो हम पिंकू यादव को खुद लाकर इसके गार्ड पर गोली चलाने के मामले में राजद विधायक रीतलाल यादव के भाई का नाम सामने आ रहा था। रीतलाल यादव के भाई ने फोन किया था और पैरवी की थी। इस बात को लेकर चर्चा इसीलिए थी क्योंकि फोन जब हुआ तो कहीं ना कहीं रीतलाल यादव के भाई का नाम सामने आ रहा था। अब ऐसे में रीतलाल यादव खुद सामने आ गए हैं और उन्होंने इस बात को कहा है कि हो सकता है उसने फोन किया होगा, लेकिन जहां तक कि गोली चलाने की बात है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से पैरवी करने की जहां तक बात है तो वो जनता के बीच जाता है वोट मांगने के लिए, और जब वोट मांगता है तो जनता उससे काम खोजेगी। और इन दिनों लगातार परेशानी बढ़ गई है, पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ गई है। और जो लोग आते हैं और जिस भाई से मुलाकात होती है उनसे मुलाकात करके वो उनका जो काम होता है वो करते हैं, पैरवी भी करते हैं, ये जो है रीतलाल यादव कहते हुए नज़र आए हैं। दरअसल वो बयान हम आपको सुनवाएंगे किस तरीके से रीतलाल यादव ने अपनी सफाई पेश की है। हालांकि पूरा मामला अभी जांच प्रक्रियाधीन है, जांच चल रहा है अभी, लेकिन जो रीतलाल यादव के भाई का नाम सामने आने की बात हो रही है तो रीतलाल यादव ने मना किया है कि उसने गोली नहीं चलाई है। लेकिन जहां तक फोन करने की बात है तो उसने फोन किया होगा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि जो लोगों की बात होती है, जो काम होता है वो लोग आते हैं करवाते हैं, जिससे भी मुलाकात होती है वो फोन कर देता है, क्योंकि जनता के बीच जाता है वो वोट मांगता है, इसलिए उसको काम करना ही पड़ेगा जनता का, लिहाजा वो अधिकारियों को फोन करता है। लेकिन जहां तक गोली चलाने की बात आई है तो रीतलाल यादव ने साफ तौर से इनकार किया है। बयान आप सुनिए, रीतलाल यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल से दानापुर से बाहुबली विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस तरह का भाई का नेचर कभी न था न है, उम्मीद करते हैं कि होगा कभी। जनप्रतिनिधि के भाई के नाते फोन किया होगा, कर सकता है, अक्सर जगह बात करता है, शासन प्रशासन परसेंटेज जगह पे बात करता है। अब जनता आती है घर पे, हम नहीं रहते हैं घर पे, तो जनता के तो बीच में जाता है वोट मांगने, तो जनता तो उनसे काम खोजेगी। काम तो अनेकों तरह का है, मेरे ऊपर पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, हम लोग चर भी हैं, थोड़ा सा काम विशेष पड़ गया है। सुलझाने के दरमियान कहीं अभी वो नहीं रहते हैं तो कभी हम नहीं रहते हैं। जिन भाई से मुलाकात होता है जनता को, उस तरह का काम मिलता है, काम करते हैं। बात करने से इनकार नहीं किया जा रहा कि बात नहीं किए, बात कर सकते हो, लेकिन जो हुआ है इसमें कहीं किसी भी तरह का कोई संस्कार हमने न दिया परिवार को, अनुमित करते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा संस्कार नहीं देंगे। पुलिस को सहयोग मिलेगा? पुलिस को कल हम खुद बताए हैं कि आपको हम 4 दिन 5 दिन टाइम देते हैं, मेरे तरफ से आपको आपसे आग्रह है, आग्रह पूर्वक आपसे कहना है कि आप 4-5 दिन के अंतराल में जो भी तहकीकात करना तहकीकात कर लीजिए। अगर जो इसके बावजूद लगता है कि पिंकू यादव का संलिप्तता है तो वैसा होगा तो हम पिंकू यादव को खुद ला करके आपको दे देंगे।